हाय फ्रेंड्स, मैं आज बताऊंगा कि आप लोगों को जो झारखंड में जो क्लास 10th का एग्जाम होगा इस बार 2020 में, तो इसका क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। तो उसी क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैं आप लोगों को एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा मैथ का, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों बता दूं, कुछ दिन पहले झारखंड में जो क्लास 8th बोर्ड का एग्जाम हुआ उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है 90% क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही पूछा गया था, जो जैक द्वारा जारी किया गया था। तो ये भी जैक द्वारा जारी किया गया, मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग टोटल जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, टोटल 30 क्वेश्चंस जो है आप लोग देख लीजिए ताकि एग्जाम में आप लोगों को ज़्यादा फायदा हो सके। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, जिन दोस्तों ने इस चैनल पे नए हैं उन दोस्तों ने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन दिखेगा आप लोगों को, बेल बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी जो वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंच सके। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में ज्यादातर आने का चांसेस है। तो चलिए देख लेते हैं क्लास 10th का जो टोटल 30 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में बोला गया है परिमेय संख्या 35/50 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति, ठीक है। और इसमें देखिए बोला गया है, ऊपर में देखिए खंड ए में क्या बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक जो है प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, ठीक है। ऐसा रहेगा, 1 से 10 तक जो प्रश्न रहेगा प्रत्येक प्रश्न एक अंक का रहेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यंकों की संख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर देखिए 2 का एक ग्राफ दिया रहेगा ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं। ये देखिए ऐसा समीकरण कुछ दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, मान निकालिए cos 48° -sin 42°। क्वेश्चन 5 देखिए, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए प्रथम पद तथा सर्व अंतर लिखिए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डी व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्म समरूप है या नहीं, यदि है तो समरूपता की कसौटी लिखिए, ठीक है, ऐसा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं ऐसा चित्र रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, 8 में क्या बोला गया है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वर्ग अंतराल की निम्न सीमाओं एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को किस प्रकार का तुलना कहते हैं, ठीक है। ये था टोटल जो है 10 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रत्येक प्रश्न एक अंक का रहेगा, ठीक है। खंड बी में क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 11 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का रहेगा, ठीक है, 2 अंकों का 11 से 15 तक। देखिए कैसा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का एलसीएम लिखा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, बहुपद पी एक्स को जी एक्स से भाग ज्ञात कीजिए तथा भागफल एवं शेषफल लिखिए, ऐसा पी एक्स दिया रहेगा और ऐसा जी एक्स दिया रहेगा, इसको क्या करना है आप लोगों को भाग करना है और भागफल और शेषफल बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, मान लीजिए त्रिभुज ABC समांतर त्रिभुज DEF है और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर² तथा 121 सेंटीमीटर² है। यदि BC = 11.2 सेंटीमीटर है तो EF ज्ञात कीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों, ये था 11 से 15 तक क्वेश्चन जो सारे के सारे दो अंकों की रहेगी। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्या है, खंड सी में देख लेते हैं। खंड सी में क्या बोला गया है, प्रत्येक प्रश्न संख्या जो है 16 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंकों का रहेगा। ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 16 का क्या है, 4052 और 12576 का एचसीएफ इक्वल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। ठीक है अथवा दिया रहेगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन अथवा दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, हल कीजिए कि 4 बाई x + 3y = 14 3x - 4y = 23 इसको हल करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, ग्राफीय विधि से हल कीजिए y = 2x - 2y = 4x - 4। ठीक है चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, यदि किसी एपी का एनवा पद 3+2n है तो प्रथम पद सर्वांतर तथा प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, सिद्ध कीजिए कि tan θ / 1 cot θ + cot θ / 1 tan θ = 1 sec θ × cosec θ। ठीक है इसको आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, बिंदु युग्म a b और b - a - b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, 22 को देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंडों को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 के देखिए, 23 में बोला गया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक है क्वेश्चन नंबर 23 में जो है इसमें अथवा दिया गया है दोस्तों, देख पा रहे हैं अथवा, ऐसे दो क्वेश्चन भी रह सकता है, आप लोगों का बहुत हेल्प करेगा अथवा अगर रहेगा, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है देखिए क्या बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इससे किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं P और Q लीजिए, इन दोनों से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चीज प्राप्त करेगी। ठीक है इसमें भी अथवा है, देखिए अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा दो एक इक्का नहीं होगा। ठीक है इसमें फिर अनुमान एक और अनुमान दो को पूछा गया है। ठीक है क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री को कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई एवं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा दिया गया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या बोला गया अथवा में। आकृति में एक ओ ए बी सी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थ थास है, यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ऐसा कुछ ऐसा चित्र आकृति दिया रहेगा, इसमें जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का आप लोगों को क्या बोला कि क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है तो दोस्तों ये था खंड सी का क्वेश्चन आंसर।
चलिए आप खंड डी को देखेंगे। इससे पहले बता दूं, अगर वीडियो का अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए दोस्तों। और जो नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल बटन दिखने को मिलेगा आप लोगों को, बेल बटन को दबा लीजिए जहाँ पर ऑल लिखा रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सभी वीडियो सबसे पहले जो भी मतलब सब्सक्राइब करेगा उसको पहले पहुँच जाएगा मेरा वीडियो, ठीक है। और दोस्तों बता दूं, इसके पहले मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, क्लास टेंथ का मॉडल पेपर सोशल साइंस का और साइंस का। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया हूं, आप वहां इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक को क्लिक करके आप दोनों वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। वो भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में मैं और भी बहुत सारे आप लोगों को क्लास टेंथ का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहूँगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए खंड डी को देख लेते हैं। खंड डी में क्या बोला गया है कि प्रश्न संख्या 26 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न जो है 6 अंकों का रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क का। देखिए दोस्तों, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन कोई कर पाएगा 5 को क्वेश्चन, तो उसका क्या होगा, उससे मतलब 30 मार्क 5 क्वेश्चन में से उसको मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है, देखने में लग रहा है कि 6 अंक का है लेकिन उसमें बहुत बड़ी मैथ नहीं है और ज़्यादा मेहनती मैथ भी नहीं है, बहुत ईजी मैथ है। आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 का विभित्तकार ज्ञात कीजिए एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग ठीक से, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें अथवा दिया रहेगा, देखिए अथवा दोनों में से इसको आप बना सकते हैं या तो इसको बना सकते हैं, दोनों क्वेश्चन है तो दोनों क्वेश्चन में से कोई एक बनाए, आपको इसमें और भी ज्यादा फायदा है। अगर मान लीजिए आपको ये मैथ नहीं आता है, अगर ए आएगा तो इसको बना लीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। तो चलिए क्या देखते हैं, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30° से 60° हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, ठीक है। इसमें भी अथवा है, देखिए मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30° है और भवन के पाद बिंदु के मीनार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60° है, यदि मीनार 50° ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से देखें और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें 29 में अथवा दिया गया था, देख लीजिए, एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इस छिन्नक का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों ये देखिए अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या बोला गया, मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है एक्स और वाई का मान जो कि एक बंटन का माध्यक दिया गया है 28.5, ठीक है। वर्ग अंतराल देखिए, ये वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, और बारंबारता भी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 5x 20 15 ऐसा कुछ दिया रहेगा, ठीक है।